नमस्कार, मैं अमर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक खास मेहमान है, वसीम अल्ताफ साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान से। उनके साथ हम एक अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्ते। नमस्ते जी। वसीम साहब, हमने आजकल कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जिन पर हम अगर नजर रखते हैं, खासतौर से अगर हम अपने पड़ोस बांग्लादेश में देखें। बांग्लादेश में जब से हसीना को सत्ता से हटाया गया है, उसके बाद से ही जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ की स्थिति या उनके हालातों पे अगर हम जायज़ा लें तो काफ़ी गंभीर हालात, खासतौर से जो हिंदू हैं उनको फेस करना पड़ रहे हैं, जो उनके बेसिक रिलीजियस राइट्स हैं। कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें हिंदुओं को हम उनके धार्मिक, उनके त्यौहार हों, मंदिर हों, इस तरह के उनको चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी बीते दिनों जो प्रोटेस्ट हुआ उसके चलते जहां पर लोगों ने भगवा झंडे फहराए थे, उन लोगों के ऊपर सेडिशन यानी कि देशद्रोह का मुकदमा उन पर लगाया गया है। दूसरी तरफ नाइजीरिया की बात करते हैं तो नाइजीरिया में कुछ बच्चों ने जो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ धरना दिया था, उनको 90 दिनों तक जेल में रखा और 90 दिनों तक खाना नहीं दिया, और अब उन सबको सजाए मौत की तैयारी की जा रही है। ये जो दोनों ही वाक़े हैं, ये इस तरह के इलाकों में जहाँ पर मुसलमान पॉपुलेशन ज़्यादा है, आप इन दोनों ही इंसिडेंट को किस तरह से देखते हैं? जहाँ पर भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा होती है वहाँ पर माइनॉरिटीज़ की या फिर ह्यूमन राइट्स की हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं खिड़की से निकल के बाहर चले जाते हैं, ऐसा क्यों? ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं जी। ये रिलीजियस फनाटिसिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, ये सारा जो है ये आपको बहुत ही एक प्रोमिनेंट शक्ल में आपको मुस्लिम कंट्रीज में मिलेगा, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नाइजीरिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो तुर्की हो, इराक हो, आपको एक तरह की ना माइनॉरिटीज़ का सप्रेशन आपको नज़र आएगा यहाँ पे। और ये जो चीज़ है ये आप देखें, ये एक मुस्लिम वर्ल्ड में ये चीज़ बहुत अपनी जड़ पकड़ चुकी है इस वक्त। तो ये दोनों वाकयात गो के आपस में इनका कोई ताल्लुक उस तरह से नहीं है। नाइजीरिया अफ्रीका का एक मुल्क है, बांग्लादेश एशिया में है, लेकिन माइंडसेट जो है वही है। और अब आप देखिए कि महज सेफ्रॉन कलर्स लहराने पे उन पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है सेडिशन का, और सेडिशन जो है उसकी सजा उम्र कैद भी हो सकती है। यानी अगस्त से लेके अब तक, पिछले अगस्त से जब हसीना वाजिद की गवर्नमेंट का आउस्टर हुआ उस वक्त से लेके अब तक, माइनॉरिटीज़ जो हैं, ख़ास तौर पे जो हिंदू कम्युनिटी है, वो ये कहते हैं जी कि 2000 हमले हो चुके हैं इस दौरान, यानी 4 अगस्त से लेके अब तक हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में। और उनके जो प्रेसिडेंट हैं, इंटरम प्रेसिडेंट कह लें या चीफ एग्जीक्यूटिव कह लें, जो भी हैं, वो उन्होंने कहा है नहीं जी ये बड़ी एग्जेजरेटेड फिगर है, इतना नहीं हुआ, लेकिन स्टिल हुआ तो है। और अब आप महज इस पे कि किसी ने वो नारंगी रंग के वो झंडे लहराए, आप उन पे एक मुकदमा कायम कर रहे हैं और उसमें हिंदू लीडर्स भी हैं, फिर आपने वो जातीय पार्टी जो है उसका दफ्तर भी नजरे आतिश कर दिया, वैंडलिज्म किया आपने, फिर बेशुमार इंडिविजुअल वाकयात हैं जिसमें के हिंदुओं को हरासा किया गया, डराया धमकाया गया, तशद्दद किया गया। और इसी के खिलाफ कल 30,000 हिंदुओं ने एक चट्टोग्राम, एक शहर है जिसको चटागांग कहते थे पहले, साउथ में है, वहाँ पे उन्होंने मुजाहरा भी किया इसके हक में। और अब अच्छा, बांग्लादेश की जो आबादी है वो तकरीबन 17 करोड़ के करीब है, जिसमें के सिर्फ 8% हिंदू हैं,
91% मुस्लिम्स हैं और कोई 1% के करीब उसमें मेरा ख्याल है बुद्धिस्ट्स और बाकी जो कबायली हैं ट्राइबल लोग जो उनका अपना रिलीजन है। तो इसके बावजूद वहाँ पे ये लोग थ्रेटन फील करते हैं, यानी अपने ही मुल्क में जहाँ पे मेजॉरिटी में होते हैं वहाँ पे माइनॉरिटी से थ्रेटन फील करना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि पाकिस्तान में 97% मुसलमान है और वो 3% जो माइनॉरिटीज हैं उनसे थ्रेटन फील करते हैं, और बांग्लादेश में जहाँ पे 91% मुस्लिम्स हैं वो 8% हिंदू से थ्रेटन फील करते हैं। तो नाइजीरिया में भी यही सूरत हाल है कि नाइजीरिया में तकरीबन यानी 50% के करीब मुसलमान है और बाकी जो हैं कुछ 47-48% क्रिश्चियंस हैं और बाकी फिर वो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी। तो वहाँ पे भी यही है और वहाँ पे बच्चों को जो के बालिग भी नहीं हुए, मैक्सिमम एज 17 साल है जी। उनको वो डेथ सेंटेंस देने जा रहे हैं, चार्ज शीट कर दिया गया है उन्हें। तो जी अंबर जी, वही सबसे बड़े सवाल निकल कर ये आता है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें या दीगर इस तरह के जो ममालिक हैं उनकी बात की जाए, सबसे पहली बात तो ये कि जो भी लोग ह्यूमन राइट की बात करते हैं या माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं जो हमसे मुख्तलिफ हैं, उनसे इतना खौफ क्यों एकदम से आ जाता है? जैसे कि आपने भी इस बात को रखा और बीते दिनों हमने अभी दिवाली पर देखा पाकिस्तान में मरियम नवाज दिवाली को सेलिब्रेट करती नजर आई, दिवाली के बारे में, हिंदुओं के राइट्स के बारे में बात करती हुई नजर आई। उन्होंने भी कहा, ये भी कहा कि मुझे शर्मिंदगी है जो कुछ भी माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में हुआ है, होता है, और हमें उनके राइट्स पे बात करनी चाहिए। अचानक से ये मरियम नवाज के दिल में हिंदुओं के लिए प्रेम कहाँ से जग गया? देखिए वो तो इवन नवाज शरीफ भी दिवाली सेलिब्रेशंस में वो शिरकत करते रहे, मरियम भी करती हैं। हमारे बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो के माइनॉरिटीज़ की मुख्तलिफ जो फेस्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं जाके, ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। लेकिन पार्टिसिपेट करना खुशी के मौके पे, ये तो सभी करेंगे जाके। असल चीज़ ये है कि जब उन पे मुसीबत आई हो, जब उनके राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हो, उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही हो, उनके घरों पे अटैक्स हो रहे हों, उनकी बस्तियां जलाई जा रही हों, तो फिर आप जाके उनके साथ खड़े हों, असल चीज़ तो ये है। Absolutely. तो उस वक्त हमें ये लोग नज़र नहीं आते, ये इधर उधर हो जाते हैं, ये छुप जाते हैं, ये कोई बयान नहीं देते, ये कहते हैं जी कि मुसलमान ये काम नहीं कर सकता, इस तरह के बयान देते हैं, मुसलमान दहशतगर्दी नहीं कर सकता। तो फिर वो किसने की दहशतगर्दी? वो कोई ज़ोरोएस्ट्रियंस थे वो हैं जी, या वो कोई शिंतोइज्म से उनका तलक था, या वो गिनी बिसाओ के किसी कबायली मजहब से उनका तलक था? यार कौन थे वो लोग? आपके सामने ये लोग तकरीरें करते हैं, लोगों को उभारते हैं, लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, और उसके बाद फिर ये जाते हैं मस्जिदों से ऐलान किए जाते हैं, फिर ये लोग जाते हैं, ये जाके वहाँ पे घरों के बाहर जाके ये नारे लगाते हैं, ये उनकी दुकानें घरों को तोड़ फोड़ देते हैं और इनका सामान जला देते हैं, जैसे अभी कई वाक़यात हुए यहाँ पाकिस्तान में हुए, यहाँ पे ये सरकोधा में वाक़या हुआ, आप देखें गुजरांवाला में, लाहौर में और दूसरे शहरों में, क्वेटा में वगैरह वगैरह। तो यही लोग हैं सारे, यही लोग हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप जो आपके मुल्क का कानून है, आपके मुल्क का आईन है जो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देता है, आप उस लॉ को, उस फंडामेंटल लॉ को आप एनफोर्स करें, आप स्ट्रिक्ट एक्शन लें उन लोगों के खिलाफ जो माइनॉरिटीज को और उनके राइट्स को टारगेट करते हैं।
दिवाली जाके मना लेना तो मैं भी जाके, वो तो कोई भी जाके मना लेगा दिवाली. एग्जैक्टली, वो तो एक टोकनिज्म हो गया जो आपको करना चाहिए एज लीडर, उस पर आप बहुत पीछे नजर आते हैं, बैकफुट पर. वसीम साहब, एक बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ, खासतौर से बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये कि बांग्लादेशी जो जब पाकिस्तान के साथ थे, वो सपोजिटली पाकिस्तान के तशद्दुद से तंग आकर उन्होंने रिवोल्ट किया, आज़ादी पाए, उनको आज़ादी हिंदुस्तान ने दिलाई. आज उसी बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति है वो इतनी ज़्यादा गंभीर है कि वो अपने त्यौहार नहीं मना सकते, वो बाहर नहीं निकल सकते, उनको मारा जा रहा है, यहाँ तक कि इस्कॉन के जो प्रीस्ट हैं उनके ऊपर सेडिशन का केस लगा दिया है. ये लगातार बढ़ता जा रहा है. ये वही लोग जो एक तरफ एक वक्त पे मजलूम हुआ करते थे और जो भारत जिनको सहारा देता आया है, चाहे इकॉनमी की बात हो, किसी भी तरह से आज़ादी दिलाने से लेके, आज वो हिंदुओं के राइट को प्रोटेक्ट करने में फेल क्यों हो गया? और अगर हम हसीना वाजिद के सरकार तक की बात करते तब और अब के हालात में इतना फर्क क्यों? देखिए, हसीना वाजिद ने बड़े अच्छे तल्लुकात कायम किए हुए थे इंडिया के साथ और उन्होंने बहुत स्टेप्स लिए माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो लिबरल्स हों, चाहे वो एथियस्ट्स हों. इंडिया में सॉरी बांग्लादेश में उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया उन लोगों के खिलाफ जो जिन्होंने माइनॉरिटीज पे अटैक्स किए और जिन्होंने कानून को वायलेट किया इस हवाले से. अब हुआ ये कि कुछ गलतियां उनसे हुई हसीना वाजिद से और उसके नतीजे में फिर वो गवर्नमेंट टॉपल हो गई और वो उनको जाना पड़ा बांग्लादेश छोड़ के. तो वो लोग जो के ज़रा बैकग्राउंड में चले गए थे वो फिर से पलट के आए, तमाम लोग, और उसका जो उनके यानी इस तरह से कह लें कि मंजरे आम पे आने का जो एक नतीजा है वो हमें वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है कि वो अब माइनॉरिटीज़ पे चढ़ दौड़े हैं, सड़कों के ऊपर लोगों को पकड़ के उनको कहा जाता है कि ये आयत सुनाओ, लोगों के घरों के बाहर मुख्तलिफ मुकद्दस आयात लिख दी जाती हैं, पकड़ के मारते हैं लोगों को और सरकारी सतह पे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा. यानी एक बहुत बड़ी डिमांड जो है वहाँ के हिंदुओं की वो ये है कि आप एक अलहदा से मिनिस्ट्री बनाएं जो कि माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करे और जो ज्यादतियां हो रही हैं उनका अजाला करे और उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले जो कि इन सब जराइम में मुलव्वस हैं. लेकिन इस पे कुछ नहीं किया गया. फिर वो कह रहे हैं दुर्गा पूजा पे हमें छुट्टियां दी जाएं ताकि हम अपना मजहबी फरीजा जो है वो अदा कर सकें. तो इस पे भी कुछ नहीं हुआ. फिर अभी प्रोटेस्ट उन्होंने किए हैं, वो सड़कों पे आए हैं. तो बेसिकली बात ये है कि वो तबका, वो मजहबी तबका जो कि एक ज़माने में बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, हसीना वाजिद ने उन लोगों को काफ़ी हद तक काबू में कर लिया था. लेकिन हसीना वाजिद के जाने के बाद वो फिर से वापस लौट आए हैं और उन्होंने ये सारा कुछ जो है ये करना शुरू कर दिया है और माइनॉरिटीज़ को इन्होंने ओप्रेस करना शुरू कर दिया मुख्तलिफ तरीक़ों से. और बेसिकली इसमें वही लोग हैं जो रिलीजियस फनेटिक्स हैं, फनेटिक्स हैं जो, और वो समझते हैं कि वायलेंस इख्तियार करना उनका हक है. वो वायलेंस के ज़रिए लोगों को वो राह रास्त पर लाएंगे. तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त बांग्लादेश की हुकूमत को बड़ा एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है इन लोगों के खिलाफ ताकि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके. आपको उम्मीद है कि यूनुस की जो सरकार है वो माइनॉरिटीज़ के हवाले से कोई स्ट्रॉन्ग या स्ट्रिंजेंट एक्शन लेगी? क्योंकि वो तो खुद इस तरह से कुछ भी उनका इंटरेस्ट या उनका इंक्लिनेशन नज़र नहीं आ रहा है माइनॉरिटीज़ के हवाले से. क्योंकि चाहे हिंदुओं की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ हैं उनके हवाले से बात भी की है कि क्रिश्चियंस और हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर कमला हैरिस एकदम शांत हैं और
मैं इस पर आगे इस मुद्दे को उठाऊंगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है और बाकी सब खामोश है, इनफैक्ट यूनुस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हसीना वाजिद को भारत उनके हवाले कर दे, वापस बांग्लादेश भेज दे, ऐसे में कितनी उम्मीद आपको नजर आती है कि यूनुस सरकार कुछ कदम उठाएगी माइनॉरिटी राइट प्रोटेक्शन के लिए? मैं नहीं समझता कि जो यूनुस साहब हैं वो कोई स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। बेसिकली तो लीडर हैं भी नहीं, वो तो एक इकोनॉमिस्ट हैं। वो उन्होंने वहाँ पे ग्रामीण बैंक जो है उसकी बुनियाद रखी। उनका तो पूरा जो बैकग्राउंड है वो सारा इकोनॉमिक्स का है। पॉलिटिक्स में तो भी उनको एक बिठा दिया गया है लाके। तो इसके लिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक लीडर होना चाहिए जो कि बड़े फैसले ले सके। कुछ फैसले जो होते हैं वो अनपॉपुलर होते हैं और वो फैसले आपको लेने पड़ते हैं ताकि आप अपने मुल्क की तमाम तर आबादी जो है, जिसमें मेजॉरिटी भी है और माइनॉरिटी भी है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। गो के डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बारबैरिक कहा है, खास तौर पे हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, उसने कहा है बारबैरिक है। लेकिन आई डोंट थिंक के कोई ऐसा मेजर स्टेप यूनुस गवर्नमेंट लेगी इस हवाले से। हालांकि प्रोटेस्ट्स भी हो रहे हैं वहाँ पे। अब यही देखें ना कि ये जो अब सैफरॉन लहराने पे सेडिशन केसेस रजिस्टर कर लिए गए हैं लोगों, तो इससे जाहिर यही हो रहा है कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व नहीं है माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के हवाले से। लेकिन डेफिनेटली फिर अमेरिकन प्रेशर आएगा, स्ट्रॉन्ग अमेरिकन प्रेशर आएगा। उसके फिर इंडिया की तरफ से भी आवाज़ें आएंगी इस हवाले से, और फिर बांग्लादेश की अपनी जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उनमें भी ऐसे लोग हैं जो मतलब ये डिमांड करते हैं कि माइनॉरिटीज़ को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हालात बेहतर होंगे। लेकिन फिलहाल तो कोई ऐसी राह नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो फिलहाल बांग्लादेश में हालात बने हुए उसमें माइनॉरिटीज के हवाले से कोई राहत मिलती नजर आ नहीं रही है। हालात दिन ब दिन और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। लेकिन वसीम साहब, मैं एक बात आपसे और समझना चाहूंगी, वो ये कि आखिर जहाँ पे भी मुसलमान मेजॉरिटी में होते हैं वहाँ माइनॉरिटीज की ऐसी हालत क्यों हो जाती है? और दूसरी तरफ तो हम कहते हैं हम बहुत पीसफुल लोग हैं, हम शांति अमन की बात करते हैं, हम हक की बात करते हैं, लेकिन जब भी हम मेजॉरिटी में आते हैं तो हम ये बवाल मचाते हैं, ऐसा क्यों? इसके बहुत से रीजंस हैं। देखिए, एक तो ये है कि जो माइनॉरिटी होती है ना, वो एक बहुत ही कन्वीनियंट आपके लिए स्केपगोट होती है कि आप हर चीज़ का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा देते हैं कि जी ये इनकी वजह से ये साजिशें कर रहे हैं, ये इन्होंने की। अभी देख लें बांग्लादेश में हिंदू, मैंने आपको बताया ना अभी 8% है वहाँ पे इस वक्त, तो 71 में भी इतने ही होंगे, यानी 7-8% शायद थोड़े से ज़्यादा हों। पाकिस्तान जब बना तो हो सकता है काफ़ी निकल गए वहाँ से, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि यही इतने ही थे मिसाल के तौर पे। तो अब बात ये है कि अब एक नैरेटिव ये भी है जी कि बंगालियों को बहकाने में और ख़राब करने में वो जो हिंदू थे वहाँ के, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया, और ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने में उनका बड़ा रोल था। तो ये देखे ना, आपको एक आसान सा स्केपगोट मिल गया ना, आपको कोई मिल गया जिस पे आपने अपनी तमाम तर जो गलतियां आपने खुद की, आपने दूसरे के सर मंड दी कि जी ये तो इसने किया। तो एक तो ये होता है कि आपको एक कुर्बानी का बकरा मिल जाता है, उसके सर पे सारा कुछ डाल देते हैं आप। दूसरा ये होता है कि आपने कुछ स्लोगनेरिंग भी करनी है, आपने अपने आप को पॉलिटिकली अलाइव भी रखना है, आपने बताना भी है कि आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं अपने रिलीजन से और अपने बिलीफ से। तो उसके लिए फिर आप आके सड़कों पे नारे लगाते हैं, आप जलसे करते हैं, आप माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बातें करते हैं, ये चीज़ें इस किस्म की लोगों को अपील करती हैं। तो वो एक आप पॉलिटिकली आप अलाइव रहते हैं, आप एक्टिव रहते हैं, आपकी एक विजिबिलिटी होती है।
तो अब जाहिर है आप जो, अच्छा फिर ये कि जो बड़े बड़े इश्यूज हैं उनकी तरफ आप नहीं जाएंगे, मुल्क के जो बड़े इश्यूज हैं मसलन रोजगार का मसला है, कुछ सेहत की सहूलतों का मसला है, सोशल सिक्योरिटी का मसला है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ठीक है, इंसाफ की फराहमी का मसला है, आप उनकी बात नहीं करेंगे। आप कहेंगे जी ये जो लोग हैं ना इस मुल्क के अंदर, ये जो अहमदी हैं, ये जो हिंदू हैं, ये जो मसीही हैं, ये लोग जो है ना ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ये इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, ये इनकी वजह से है सारा कुछ, ये साजिशें करते हैं, ये इनकी साजिशों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फिर आप माइनॉरिटीज़ को पकड़ के तो उनके ऊपर सारा मलबा डाल देते हैं। आप अपनी गरेबान में नहीं झांकते कि भाई आपकी भी गलतियां हो सकती हैं या आपको भी कुछ करना चाहिए, आपके भी कुछ फ़राइज़ हैं, उस तरफ ही नहीं जाएंगे, ये उनको टारगेट करेंगे। तो बहुत से मकासद हल हो जाते हैं। सड़क पे आके आप नारे लगा रहे हैं तो आपने एक तो सारा जो एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको डाइवर्ट कर दिया आपने कम्युनिटी की तरफ। दूसरा, आप सड़क पे आए हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, आप विजिबल हो गए हैं, आपके नारे एक कॉमन मैन को अट्रैक्ट करते हैं। और तीसरा ये कि जो असल मसाइल हैं उनका हल कोई नहीं है आपके पास, तो आप फिर कहते हैं जी इस्लाम जो है ना, वो इस्लाम को ख़तरा है, इस्लाम को हमने बचाना है, आप कहते हैं जी हमने इस्लाम का बोलबाला करना है, हमने इस्लाम को दुनिया में फैलाना है, हमने दूसरों को राह रास्त पे लाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक कन्वीनियंट आपके लिए है ना सारी ये चीज़, बजाय इसके भी बड़ी बड़ी अजीब सी बात है, जो खुद राह रास्त पे नहीं चलते, जो सही राह जिनको नजर नहीं आती वो दूसरों को राह रास्त पे चलाने की बात करते हैं। देखिए ना, आप दस मौलवी जो हैं सड़क पे खड़े होकर नारे लगा रहे होंगे, ठीक है, इंडिया के खिलाफ नारे लगा रहे होंगे या अहमदियों के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, आप उनको कहें यार ये बहुत गंदगी है यहाँ मोहल्ले में, चलो यार ये बाद में नारे लगा लेंगे, जरा सफाई कर लेते हैं थोड़ी सी, ये जरा सारे मिलके ना ये अपने इलाके को साफ कर लेते हैं, सारे भाग जाएंगे, तब वो नदेश और पाकीज़गी की बात करने लगेंगे सब तो। हाँ, ये वो कहेंगे कि पाकीज़गी इख्तियार करें, सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन जब आप उनको कहें कि यार आप कितने दिन पहले नहाए थे आप जी, ये भी जरा बता दें, तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे जी, वो कहेंगे यार ये कैसी बात, मतलब ये कि बात करना आसान होता है ना, अमल करना मुश्किल होता है। बिल्कुल, तो बातें आप सुन लें लोगों की, हर तरह की बातें सुन लें, अमेरिका को भी इन्होंने तबाह कर दिया, इसराइल को भी कर दिया है, इन्होंने दुनिया फतह कर ली है, ये दुनिया फतह कर लेंगे, ये पता नहीं क्या क्या कुछ कर लेंगे, लेकिन अमली तौर पे क्या हैसियत है इनकी, अमली तौर पे हाल ये है कि दुबई जैसा ब्रादर इस्लामी मुल्क वीजा भी नहीं दे रहा इनको। हाँ, ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है उसने कहा है जी यहाँ ना आए आप, वहां ही रहे। रियलिटी चेक की जरूरत है ऑफ कोर्स, लेकिन वो होता नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन तो आता ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं आता, इंट्रोस्पेक्शन नहीं आता, सिर्फ वही आप अपनी घिसी पिटी बातें करते रहे हैं और कहां पीछे छूट रहे हैं ये भी नहीं नजर आ रहा है, दुनिया कहाँ चांद पे पहुंच गई, आप वही जमीन के गड्ढों में नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ भी इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती है उसको सही तरह से एड्रेस करने की जरूरत है, ताकि बात चाहे माइनॉरिटी राइट की हो या फिर ह्यूमन राइट्स की हो, जो कुछ भी हम लगातार घटनाएं देखते हैं, ईरान की बात करें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या फिर हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, जहाँ कुछ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उन पर सही तरह से बात रखने की जरूरत है। और आज के दौर में खासतौर से एक इन्फॉर्मेशन का दौर है जहाँ पर हर जगह की हर तरह की इन्फॉर्मेशन खबर लोगों के सामने है, तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर आती है कि इस तरह की घटनाओं को सही तरह से एड्रेस किया जाए। वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।